हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक और वेडिंग मैस ट्रिक के बारे में जानेंगे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ वी कैन फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी थ्री डिजिट फास्टली। हम किसी भी तीन डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे फटाफट निकाल सकते हैं, और इस वीडियो प्रियांश जैन के द्वारा बनाई गई है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम सबसे पहले 204 204 का स्क्वायर निकालेंगे। दोस्तों, आपको इस ट्रिक में सबसे पहले उस नंबर के नीचे तीन डैश बनाने हैं। कि हमने तीन डैश बना दिए, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको हर डिजिट का स्क्वायर निकालना है। पहले का स्क्वायर फर्स्ट डिजिट का 2 है हमारा, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम इधर 4 लिखेंगे। अब याद रखिएगा कि अगर ये नंबर 3 डिजिट है तो जो आपके लास्ट दो नंबर है टेंथ प्लेस एंड मंथ प्लेस पर, आपको उन दो नंबर को जो मिला के जो नंबर मिलता है आपको स्क्वायर उस नंबर का निकालना है। जैसे इधर है नंबर 04, अब 04 जीरो की कोई वैल्यू होती है नहीं, तो हम सिर्फ 4 का स्क्वायर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, हम इधर 16 लिख देंगे। दोस्तों याद रहिएगा कि इस ट्रिक में आपको तीन डैश में से दो डिजिट भरने हैं। अगर वो नंबर दो डिजिट से ज़्यादा हुआ किसी भी ब्लैंक में तो आपको उसको कैरी ओवर करना है। दोस्तों, अब हम तीसरे डैश में क्या भरेंगे, हम तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। हम 2 × 0 × 4 × 2 करेंगे, क्योंकि इधर 0 है तो इसकी तो कोई वैल्यू होगी, तो हम इसको कट कर देते हैं। अब हमारे पास तीन डिजिट बचे, 2, 4 एंड मंथ्स अगेन 2। अब हम इन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 होगा 8। अब 8 × 2 होता है 16, तो हम इस दल भी 16 भरेंगे। बस दोस्तों, हमारा आंसर आ चुका है। 204 का स्क्वायर होता है 41,616। हम इसे देख से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो तीन नंबर का हो। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले नीचे तीन डैश बनाए, फिर हमने हर नंबर का स्क्वायर लिखा, हमने 100 प्लेस का स्क्वायर लिखा, 100 प्लेस में 2 था तो हमने 4 लिखा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू होती है नहीं तो हमने 4 का स्क्वायर लिखा जो होता है 16। फिर हमने 2 × 0 × 4 किया, क्योंकि 0 की इधर कोई वैल्यू है ही नहीं तो हमने उसको कट कर दिया, और 2 × 4 × 2 किया। 2 × 4 होता है 8, और 8 × 2 होता है 16। इस तरह से हमारा इस नंबर का स्क्वायर आ गया। इस नंबर का स्क्वायर है 41,616। अब एक बार याद रखिएगा, इस ट्रिक में तीन डैश में सिर्फ दो ही डिजिट आने चाहिए। अगर तीन डिजिट हो तो आपको उसको कैरी ओवर करना है। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम 406 का स्क्वायर लेंगे। हमें सबसे पहले पिछली बार की तरह तीन डैश बनाने हैं, और फिर हर नंबर का स्क्वायर लिखना है। 4 का स्क्वायर मंथ्स अगेन 16 होता है। अब वापस इधर 0 एंड 6 है,
जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इधर सिर्फ सिक्स बचा और सिक्स का स्क्वायर होता है 36। हमने अब 36 इधर लिख दिया। अब हमें बीच के डैश में वापस 4 × 6। मैं इधर जीरो भी लिखा है, अगर आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, इसको लिखने को जरूरी नहीं है। 4 × 0 = 6 × 2। अब 4 × 6 होता है 24 और 24 × 2 होता है 48। देखा दोस्तों, हमने बहुत सरलता से इसका आंसर भी खोज लिया। 406 का स्क्वायर है 1,64,836। आई रिपीट, 1,64,836। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 3 डैश बनाए, फिर हमने हर नंबर का स्क्वायर लिखा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36 और अब हमने फिर 4 × 6 × 2 किया, जो आया हमारा 48। बस इसी सरलता से हमने इसका स्क्वायर ढूंढ लिया, जो है 1,64,836। दोस्तों, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं। मेरी आपको एडवाइस है कि आप इन क्वेश्चनों को पहले अपने आप करके देखिए, वीडियो पॉज करके, और फिर आप हमारे आंसर से आपका आंसर मैच करिए कि आपका ये जो ट्रिक है वो सही है या नहीं। अब हमारा अगला नंबर है 312 का स्क्वायर और 211 का स्क्वायर। दोस्तों, मैं आपसे एक बार और विनती करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज कर दें, ताकि ये आप अपने द्वारा ही उत्तर इसका खोजने का प्रयास करें। दोस्तों, हमें हर बार की तरह 312 के लिए 3 डैश बनाने हैं, फिर हर डिजिट का उधर स्क्वायर लिखना है। 3 डिजिट का स्क्वायर होता है 9, हमने इधर 9 लिख दिया। अब गौर कीजिएगा, अब हमारे पास 12 है, ना कि 04 या 06, इसलिए हम आप 12 का स्क्वायर लिखेंगे, जो होता है 144। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारा डैश है, इसमें सिर्फ 2 डिजिट आने चाहिए। अगर आपके पास किसी नंबर का स्क्वायर थ्री डिजिट में आता है, तो आपको उसको एक कैली ओवर करना है। अब हम इसका लास्ट पोर्शन लेंगे 44 और मन को उधर कैली ओवर कर देंगे। आप इस मन को साइड में लिख दीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि अब हमें इसको कैली ओवर करना है, जो हमारा नेक्स्ट वैकली में आंसर है। अब हमारे पास नंबर है 312 × 2। 312 × 2 ये हमें करना पड़ेगा, ताकि हम नेक्स्ट ब्रैकेट का आंसर खोज पाए। 3 × 12 होता है 36। और 36 × 2 होता है 72। दोस्तों, अब हमने तीसरे ब्रैकेट का आंसर खोज लिया।
लेकिन आपको याद हो तो हमारे पास एक कैरी ओवर के लिए बच गया था, यानी हमें 72 में एक और नंबर को ऐड करना है। जब हम 72 प्लस 1 करेंगे तो तब हमारा आंसर आएगा 73। हमारे पास तीसरे ब्रैकेट का भी आंसर आ गया जो कि है 73। देखा दोस्तों, हमने इतने बड़े नंबर का भी इजीली मल्टीप्लाई करे बिना स्क्वायर निकाल दिया। अगर आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते तो आपका ये बहुत टाइम कंज्यूम करता, आपको हर स्टेप वाइज करना पड़ता जिसमें आपकी गलतियाँ होने की ज़्यादा चांसेस है, और आपका ये टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी करता। चले दोस्तों, हम हमारा लास्ट नंबर इस वीडियो का 211 का स्क्वायर खोजते हैं। हमें क्या करना है, हमें 3 ब्रैकेट बनाने हैं, फिर हर नंबर का स्क्वायर उसमें लिखना है। 2 का स्क्वायर होता है 4, अब 11 का स्क्वायर होता है 121। लेकिन वापस ये 3 डिजिट नंबर है, 121 3 डिजिट नंबर है, तो हम इसमें से वापस 1 को कैरी ओवर कर लेंगे और बचा हुआ नंबर ही लेंगे 21। यानी कि हमें उस 1 को इधर हटा देना है क्योंकि हमें 2 ही डिजिट चाहिए थे, 2 ही डिजिट चाहिए थे। अब हमारे पास सेकंड ब्रैकेट का भी आंसर आ गया है 21। अब हमारे पास लास्ट ब्रैकेट बचा है, अब हमें इस ब्रैकेट को वापस 2 × 11 × 2 करना पड़ेगा। 2 × 11 होता है 22, और 22 × 2 होता है 44। जी हाँ दोस्तों, हमने इस नंबर का भी स्क्वायर निकाल दिया है, इस नंबर का स्क्वायर है 4 + 44, जिसमें से हम एक कैरी ओवर को ऐड करेंगे जो होगा 4521। यानी सिंपल लैंग्वेज में 44521 हमारा आंसर है। दोस्तों, आप इस मेथड से किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। धन्यवाद।